तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यहां पे रीनेम ट्रिक 2.2 कौन कौन से शाओमी डिवाइसेस में यहां पे वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यूज़ रीनेम ट्रिक 2.0 टू इंस्टॉल MIUI 14 अपग्रेड नाउ एंड द विदाउट एनी अनलॉकिंग बूट लोडर एंड विदाउट एनी रूट। और इस वाली ट्रिक की हेल्प से आपका कोई भी डिवाइस, आपका फैक्ट्री रीसेट भी नहीं होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसी के साथ इसका पार्ट टू भी मैं अपलोड कर चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प एरर देखने के लिए मिलता है तो आखिर वो एरर यहाँ पे क्या है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर ले ना। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रीनेम ट्रिक 2.0 कौन कौन से शाओमी डिवाइसेस में यहाँ पे वर्क करेगी और कौन कौन से शाओमी डिवाइसेस में यहाँ पे वर्क ये नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं Redmi Note 10s का। तो यहाँ पे Redmi Note 10s का कोड नेम हमें रोजमेरी माल्टोज एंड सीक्रेट। इस वाले डिवाइस के हमें यहाँ पे तीन तीन कोड नेम्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी डाउनलोड थिंग्स में हमें रोजमेरी ही देखने के लिए मिलता है। तो आप Redmi Note 10s में किसी भी रीज़न की रोम रीनेम ट्रिक 2.0 के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे Redmi Note 10s हो, चाहे कोई सा भी यहाँ पे आपका MIUI का डिवाइस हो जिसका कोड नेम यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है सभी रीजन्स में, आप उसकी रोम ईजिली यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी देखने के लिए मिलती है। तो इसी के साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे Redmi Note 10 Pro का। तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro के लिए सभी रीजन्स में कोड नेम हमें स्वीट देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10 Pro इंडिया का जो कोड नेम है वो हमें यहाँ पे स्वीटिन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बाकी के रीजन से थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलता है। तो आप Redmi Note 10 Pro 10 Pro Max में इंडिया के यूज़र हैं तो आप रीनेम ट्रिक 2.0 को यूज़ करके किसी भी और रीज़न की रोम को यहाँ पे फ्लैश नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कस्टम रिकवरी के थ्रू भी MIUI 13 की किसी और रीज़न की रोम को फ्लैश किया, और अगर आपने MIUI 14 को अपडेट यहाँ पे अपडेटर से अपडेट कर लिया तो आपका फ़ोन यहाँ पे डेड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मेथड जो कि कस्टम रिकवरी वाला है बहुत सारे यूज़र्स ने यहाँ पे ट्राई किया और उनका डिवाइस यहाँ पे टोटली डेड हो चुका, और उनका यहाँ पे उनको अपना फ़ोन का जो है वो मदरबोर्ड भी रिप्लेस करवाना पड़ा। तो आप इस वाले डिवाइस में रीनेम ट्रिक को तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपने बाय चांस रीनेम ट्रिक 2.0 को यूज़ करके उसको फ्लैश कर भी लिया तो आप अपडेटर से अपडेट बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, तब तो आपका फ़ोन यहाँ पे 100% डेड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप यहाँ से इसको फ्लैश कर सकते हैं, जो कि इसके भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं Redmi Note 11 और Redmi Note 11 NFC का। तो यहाँ पे Redmi Note 11 का कोड नेम यहाँ पे स्पेस देखने के लिए मिलता है, और Redmi Note 11 NFC का कोड नेम हमें यहाँ पे स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो फिर ये दोनों डिवाइसेस बिल्कुल सेम है, बस एक NFC है और एक नॉन NFC है, लेकिन और आप इस वाले डिवाइस में रीनेम ट्रिक ईजिली फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि एक यूज़र ने Redmi Note 11 से Redmi Note 11 NFC में स्विच कर लिया है वाया रीनेम ट्रिक 2.0। लेकिन आप यहाँ पे Redmi Note 10 Pro में इस वाले ट्रिक को बिल्कुल भी यूज़ मत करना, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर मुझसे बाद में मत कहना कि आपने यहाँ पे वार्निंग नहीं दी थी। तो आप Redmi Note 10 Pro में रीनेम ट्रिक 2.0 को बिल्कुल भी यूज़ मत करना, और अगर आपके डिवाइस के लिए भी कोड नेम यहाँ पे टोटली डिफरेंट हैं बाकी के रीजन्स के लिए तो फिर बिल्कुल भी फ्लैश मत करना। यहाँ पर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पे Redmi Note 10 5G का कोड नेम हम यहाँ पे कैमेलिया, जो कि हम यहाँ पे चाइना और
यूरोप रीजन के लिए देखने के लिए मिलता है, तो फिर आप यहाँ पे इन दोनों डिवाइसेस में कैमेलिया से इजीली फ्लैश कर सकते हैं। मेरा मतलब कि आपको ये जो कैमिले का कोड नेम है, ये आपको चाइना रीजन और इंडिया रीजन में देखने के लिए मिलता है। बाकी के रीजन्स में इस डिवाइस का कोड नेम हम यहाँ पे कैमेलियन देखने के लिए मिलता है। तो आप चाइना से इंडिया, इंडिया से चाइना रीनेम ट्रिक में जा सकते हैं, बाकी के रीजन्स में आप यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते। तो ऐसे ही डिवाइसेस के लिए अगर आपको कोई भी इशू है तो आप यहां से कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके वहां पे भी पूछ सकते हैं कि हम इस वाले डिवाइस में ये वाली रोम फ्लैश कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सभी वीडियोस के लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जा करके सभी को चेकआउट कर लेना एक एक करके। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो कि यहाँ पे रीनेम ट्रिक 2.0 इन शाओमी डिवाइसेस में बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती। अगर आपने ट्राई किया तो आपका मोबाइल यहाँ पे डेड हो जाएगा, फिर बाद में मत कहना। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से करके जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।